नमस्कार साथियों, आज हम लोग जाट सीनियर सेकेंडरी रोहतक रोड की ब्रांच में आए हैं और आज 11 जुलाई को पर्यावरण दिवस के ऊपर यहां पर आप देख पा रहे हैं बच्चे जो है बड़ी सुंदर सुंदर जो है चार्ट्स लेकर ये खड़े हुए हैं। तो आइए हम लोग आपको ये पूरी जो प्रदर्शनी है ये दिखाते हैं और हम लोग यहाँ के स्टाफ से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस उपलक्ष्य में ये लोग यहाँ पर ये जो प्रदर्शनी इन्होंने लगाई है। आप देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में अलग अलग तरह की तस्वीरें लेकर के पर्यावरण दिवस के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और इतने छोटे बच्चे बड़े लोगों को संदेश ये देते हुए कि पर्यावरण की सुरक्षा हमें करनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं हम लोग अभी यहाँ के जो स्टाफ से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसके उपलक्ष्य में। हाँ जी, नमस्कार मैम। मैम सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बताएंगे मैम किस उपलक्ष्य में आप लोग ये कर रही हैं? पर्यावरण थोड़ा बहुत अच्छा से छोटे बच्चे ड्राइंग वगैरह करने। थैंक यू मैम। तो साथियों ये एक अध्यापक थे जिन्होंने हमारे चैनल को भी बताया कि पर्यावरण दिवस के ऊपर ये लोग यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगा रहे हैं और ये देखिए कुछ बड़ी क्लासेस के बच्चे भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि अपने हाथों में जो है अलग अलग तरह के चार्ट्स लेकर के आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, तो आइए हम यहाँ के स्टाफ से बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। तो हमारे सामने एक टीचर है, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हरियाणा पे। धन्यवाद। सबसे पहले बताएंगे सर ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं ये किस उपलक्ष्य में है? ये पर्यावरण बचाओ, पृथ्वी बचाओ, जल बचाओ, ये बहुत सारे बच्चों को टारगेट दिए थे, स्लोगन दिए थे, उनके ऊपर बच्चों ने अपने कला के द्वारा अपने हाथों से अच्छे अच्छे चार्ट बनाकर एक संदेश दिया है लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जल बचाएं, पर्यावरण को जो है साफ़ सुथरा रखें। तो इस मोटो को लेकर के बच्चे जो है आगे आए। सर पर्यावरण दिवस के ऊपर पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया जाता है, इसको लेकर भी आप लोगों ने किया क्या? आज पौधारोपण का कार्यक्रम था, उसमें विद्यालय के प्राचार्य श्री सौरभ भारद्वाज की कर कमलों द्वारा पौधा रोपण करवाया गया। मैडम के द्वारा, मैडम सविता जी जो यहाँ की विंग इंचार्ज हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी अपने हाथों से जो है पौधारोपण करवाया और 25-30 पौधे और हैं जो बच्चों से लगवाएंगे। तो धन्यवाद सर हमारे चैनल से बात करने के लिए। तो चलिए साथियों हम लोग आपको यहाँ की जो इंचार्ज है सविता चौकंद मैडम उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हरियाणा पे। तो हमारे चैनल को बताएंगे आप ये किस बारे में कार्यक्रम कर रही हैं? बच्चों के अंदर एक क्रिएटिव लाने के लिए, क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए बच्चों में। पढ़ाई सब कुछ नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के अंदर ड्राइंग की दूसरी एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो मैम आपके स्कूल के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे मैम? मेन ब्रांच में मुख्य शाखा में रहते हैं। ठीक है मैम। तो बच्चों को अभी पौधारोपण कर लेकर के कोई जागरूकता आप लोगों ने शुरू की यहाँ पे क्या? बिल्कुल की है, पर्यावरण बचाओ के लिए इनको पौधे, जितने पौधे लगेंगे उतना ही एनवायरमेंट चेंज होगा। तो आपके स्कूल में पौधारोपण का कार्यक्रम अभी हो चुका है या होने वाला है? अभी सौरभ भारद्वाज जी तो जो है लगाते चले गए हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी अभी लगवाने। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमारे चैनल से बात करने के लिए।